कोटा कोटा स्टेशन आ गया भैया, सीधा दिल्ली के बाद ये कोटा आया है। और अभी फ़िलहाल तो स्टेशन खाली पड़ा है बिल्कुल। 9:30 का टाइम था, 9:30 बजे आई है यहाँ पे ट्रेन बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे। और यहाँ पे अराउंड 10 मिनट के लिए रुकेगी है, उसके बाद फिर आगे निकलेगी है, आगे जो है मध्य प्रदेश जाएगी, मध्य प्रदेश के बाद फिर सूरत और फिर उसके बाद मुंबई। तो सुबह तक पहुँचते हैं, अब तक बिल्कुल सही टाइम पर चल रही है, सही स्पीड है। अब आगे जो दो स्टेशन आएंगे उन पर शायद मैं ना उतर पाऊँ, क्योंकि अम्मू जा रही है नींद। तो अब मैं सीधा जाके अंदर खाना वाना खा के अपना सोऊंगा, और बाकी देखते हैं सुबह वहाँ पर मिलते हैं। तो सारे डब्बे जुड़े हुए हैं भाई वहाँ से, मान लो सारे जुड़े हुए B1 से लेके F5। अच्छा, तो मान लिया अगर कोई बाई चांस आदमी ट्रेन चलने लगी, छूट गया कोई, दूसरे कंपार्टमेंट में बैठ गया, डायरेक्ट पहुँच जाएगा अपने वाले में। हाँ, कहीं से भी पहुँच जाएगा। चलो भाई ऐसे ही है अपना, मान लो बाई चांस बाहर आदमी कुछ सामान खरीदने के लिए गया या घूमने के लिए गया, निकला बाहर स्टेशन पर, तो अगर ट्रेन चल दी आप आगे जाके जो है कोई से भी डब्बे में बैठ जाओ, और अंदर सारे कनेक्टेड है, कोई इनमें बीच में अलग अलग केबिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे। फर्स्ट क्लास एसी कोच है भाई, है इसकी सर्विस दिखाते हैं कैसी कैसी है। यहाँ पे इन्होंने डबल बेड है, और नीचे वाला बेड जो है आप सोफा भी बना सकते हो। हटिए एक बार दिखाओ जरा, ये जो है फोन हटा दे मेरा, ये जो है आप सोफ़ा बना सकते हो, इस पर बैठ जाओ अपना आराम से, गिर गया। और यहाँ पे जो है दो मिरर दे रखे हैं इन्होंने, एक मिरर ये और एक मिरर ये, एक टेबल है यहाँ पे और एक ऊपर है स्टैंड। बाकी जो है यहाँ पे दो टेबल और दे रखी है उन्होंने एक्स्ट्रा, ये खाना वाना खा सकते हो इन पर आप, खोले जा रहे ना। और एक डस्टबिन है आपके आपके लिए। बाकी जो है यहाँ पे आप लाइटनिंग का सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, ये होगी टेबल, इस पर आप खाना खा लो, सामान रख लो, कुछ भी कर लो। और बाकी जो है ऊपर यहाँ पे एसी फ्लो कंट्रोलर है, यहाँ पे एयर फ्लो कंट्रोलर, इससे एसी ऑफ हो जाएगा, इससे ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे लाइटनिंग का भी काफ़ी अच्छा है, लाइटनिंग के लिए इन्होंने ये डिम लाइट भी ऑन कर सकते हो आप, कहाँ की ब्लू कहाँ चलेगी, ये ब्लू लाइट चलेगी। और अगर दोनों वाइट जलानी है तो दोनों वाइट ये रही। और यहाँ पे इन्होंने दो पेंटिंग भी दी है सजाने के लिए। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा बना रखा है, सेटिस्फाइड। अभी फ़िलहाल कोरोना की वजह से इन्होंने एडिशनल सर्विसेज जो है, जैसे कि पिलो हो गया, ब्लैंकेट हो गया, वो देना बंद कर रखा है। ये सैनिटाइज़र भी इनका आ गया है, ये तो अपना सैनिटाइज़र है। और बाकी बहुत बढ़िया सर्विस है। कृपया ध्यान दें, यह अलार्म चेन खींचने का हैंडल है, कृपया इस पर कुछ ना टांगे लटकाए, ऐसा करने से अलार्म चेन सक्रिय हो जाएगा और गाड़ी खड़ी हो जाएगी। अच्छा जी, एक और वार्निंग है भाई यहाँ पे, अलार्म गाड़ी खड़ी करने के लिए हैंडलिंग खींची है, उचित और पर्याप्त कारण के बिना हैंडलिंग खींचने की सजा ₹1000 तक जुर्माना और या 1 साल तक कैद। लंबा बजेगा आदमी, यह हैंडल ओके जी। और ये ऊपर का नज़ारा, ऊपर बेहतरीन अपना। काफ़ी रात होगी भाई, अब मैं भी चला सोने, नींद आ रही है, ये ऊपर वाले बेड पे सोऊंगा। अभी जो है दो चार स्टेशन हो रहे हैं बीच में, तो इतना सोते हैं अपना, नींद पूरी करते हैं, बाकी लाइट ऑफ कर देता हूँ। ओके, गुड नाइट। 5:30 बज गए भाई और सूरत आ गए। इससे पहले जो है दो स्टेशन और थे, एक वडोदरा और एक जो है अपना राजस्थान में था, तो वो दोनों रेलवे स्टेशन तो मिस हो गया, वहाँ पर सो रहा था मैं उस टाइम पे। लेकिन अब 5:30 बजे उठ गया हूँ मैं, अब सूरत के बाद जो है चलेगी है अपनी डायरेक्ट, कुत्ते भोग रहे पीछे। सुबह हो गई और चांदना भी निकल गया, चाय करेंगे, चाय पियेंगे अभी अपनी, ये लड़का भी जाग गया। और
अब यार कुछ देर में आने वाला है, वैसे 2 घंटे का रास्ता और है। चाय पीते हैं। शहर से आ गए थे। ये सारा जंगली इलाका है, जंगल से छोटे छोटे टिल्ले से भी आ जा बीच में कहीं कहीं। नाश्ता वास्तव सब दे रहे हैं। पॉपकॉर्न का पॉपकॉर्न कौन खा रहा नाश्ते में? चाय पॉपकॉर्न। जंगल ही जंगल, बीहड़ा इलाका, घाटी चंबल है। देखे कैसे पिड्डे हो रहे हैं, बिल्कुल खतरनाक हो रहे हैं। इन पर भी चढ़ रही बेल सी, पैरासाइट सी बोल रहे हैं। ग्रीनरी ही ग्रीनरी, हरियाली ही हरियाली। ये कोकोनट के पेड़ है क्या? वैसी है। देखिए कितनी बड़ी नदी है, सबसे बड़ी है। मुझे पता सिट्टी मार के उठ रहा है, मुझे पता उठ रहा है सिट्टी मार के। देख कितनी बड़ी नदी है, बहुत खेरी हो गई तो है। और बीच में अजी हाँ, यहाँ आके देख कितना चल रहा है, यहाँ देख जरा रफ्तार से। मछली तो पल रहा है, खेरी बहुत है यहाँ। देख कितनी लंबी समुंदर का बीच के ये जा, सारा समुद्र में जा रहा होगा पानी का। आ गया भाई मुंबई सेंट्रल, पैकिंग कर रहे हैं बस, अब सामान वामान अपना, चलेंगे फिर उतरेंगे। रुक जा, ले इधर से आना, दुनिया जा रही उधर। पूछ रहा था क्या पक्का? भाई जिस पर कैब वैब खड़े रहो, कौन सा प्लेटफॉर्म है? यहाँ जाके लेफ्ट साइड है, बाहर। ठीक है, धन्यवाद। इंडिया का फ्लैग भी है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा है। और साइड में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। चलो भाई, कैब वाले का आ गया। फाइनली भाई पहुँच गए मुंबई सेंट्रल स्टेशन, बिल्कुल सही टाइम पर आया। और यहाँ पे मास्क लगा लिया, कंपलसरी कर रखा है इन्होंने। आगे जाके जो है देखते हैं कहाँ पे जाएंगे, आसपास घूमेंगे। अगर मौका लगा व्लॉग बनाने का तो और बनाऊंगा, बाकी ये व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सभी को बाय, बहुत अच्छी रही ओवरऑल ट्रिप हमारी।